अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा मेरा राजा। थैंक यू सो मच। ये पढ़ तो क्या लिखा है? लक्ष्मी नगर। पास वाले गांव का लड़का जिसे कुछ महीने पहले मैंने लुटेरी दुल्हन बन के लूटा था। चल जल्दी उसके घर जा। हाँ। किसके घर? मेरा भाई बहुत बीमार है, उसके घर जाना था। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ यही है वो, उर्वशी नाम है इसका। इसी के साथ ब्याह हुआ था मेरा। सुहागरात की रात लूट के भाग गई थी मुझे। और आजकल इसका नाम भीनका है। तुम और कुछ बता सकते हो उसके बारे में मुझे? इसके जाने के बाद इसके बारे में पता किया था मैंने। इसका एक बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड? क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है? कोई पता? क्या करता है? कुछ भी, जो भी तुम्हें पता हो ना उसके बारे में प्लीज मुझे बताओ। हाँ मैं वो उसके बारे में। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, जो सुहाग रात को ही तेरी आखिरी रात बना देनी चाहिए थी। अब अगर जीने की जरा सी भी इच्छा है ना तो चुपचाप चला जाए यहां से, वरना तुम्हें इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना। अब बताओ क्या नाम है इसके बॉयफ्रेंड का? है कौन ये? उर्वशी शमेन का। अब तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो कनक। 48 घंटे का चैलेंज दिया था ना तुमने मुझे, जिसमें से 10 घंटे तो तुमने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। अब जाओ आराम से घर जाओ और दिमाग लगा के सोचो कि तुम्हारे प्यारे शिवा ने आखिर मुझसे शादी क्यों की। जैसे फिल्म जला दी, इस बच्चे को भी जला दे समर, जला दे। जिस तरह चकोरी मासा की बातों में आके समरसा ने हमारे बच्चे की पहली तस्वीर चला दी, कहीं बिना सोचे समझे नफरत की आग में आके समरसा मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, तो नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कैसी भी हिम्मत करके चकोरी मासा ने सापुसा के खिलाफ जो गलतफहमी का जहर समरसा के दिमाग में घोला है उसे हटाना होगा। चकोरी मासा समरसा के लिए देवी है और मुझे ये भ्रम खत्म करना होगा, तभी जाके समरसा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। मेरे लिए नहीं,
लेकिन अपने बच्चे के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा। मौका मिलते ही मुझे समर सा की माँ और बापू सा की वो फाइल ढूंढनी होगी। चकोरी माँ सा उसे जरूर अपने इर्द गिर्द ही रखती होगी। कल इस घर में हमारी लाडो और छोटी लाडो की पहली संक्रांति है जो बड़ी धूमधाम की मना ली हमने। बड़ा काम है इसलिए पकड़े सने और जाके मस्त होके थोड़ा आराम कर ले। जा। कनक जी कनक जी मैं देख रहा हूं कि जब से बच्चे की तस्वीर चली है ना आप मारे को इस घर में की नजर ही ना आ रही। क्या बात है आप मारे को नजरअंदाज कर रहे हो क्या? सच बोलना। नहीं नहीं शिवा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ। कनक जी अगर आप मारे को नजरअंदाज ना कर रहे हो तो बताओ बात क्या है? मैं अभी चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। 48 घंटे से पहले मैं मेनका की असलियत तुम्हारे सामने लाऊंगी ताकि तुम उसका असली चेहरा पहचान सको। कनक जी क्या हुआ है बताओ? थोड़ी तबीयत नासाज लग रही है बस। कनक जी आपने बुखार है? आओ डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा अभी। नहीं 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 शिवा उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है मतलब बुखार है आपने? चलो डॉक्टर के पास अभी कभी आओ। नहीं सुनो मैं ना अभी दवाई ले लूंगी और यहीं पर आराम कर लूंगी। सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर के पास नहीं जाना। पक्का? ठीक है। देख रही कि प्रकृति बेना चाहती कि आप मारे से कहीं भी दूर जाओ। अब अपने आप को जल्दी से एकदम तंदुरुस्त कर लो क्योंकि संक्रांति की सारी तैयारियां आपने करनी है। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप मारी बीवी मारा दिल। दिल तो कर रहा है शिवा की बीवी कनक के अंदर सारी की सारी गोलियां दाग दूं। हिम्मत तो देखो इस लड़की की। उस लड़के के घर चली गई सीधा। बावड़ी हो गई के? तुझे लगता है इस हरकत के बाद वो चुप बैठेगी? हाँ वो अपने हाथ पे चलाएगी। तुझे उसे गोली मारने की जरूरत नहीं है। बस उसके हाथ पर काट। तेरा काम अपने आप बन जाएगा। शायद रसाल की नाराजगी अब तक मुझसे खत्म हो गई होगी। अगर नहीं हुई होगी तो गिफ्ट है ना उसे मनाने के लिए। सो सॉरी समर मैंने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू समर। वैसे मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। अगर तुम अदरवाइज ना लो तो तुमसे एक बात पूछूं मैं। मेनका तुम्हारी काफी अच्छी दोस्तों में से एक रही है ना?
हाँ, तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? नहीं बस यूं ही, क्या है ना कि जब से मेनका शिवा से शादी करके इस घर में आई ना, मेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं और मैंने वो सवालों के जवाब जानने चाहे, पर मुझे ख्याल ही नहीं आया कि तुम और मेनका इतने अच्छे दोस्त हो तो मुझे तुमसे उसके बारे में पूछना चाहिए। तुम कुछ बता सकते हो? क्या पूछोगे मुझसे आप? क्या पूछोगी? अरे जो किया उसने किया, मैंने थोड़ी ना किया। दोस्त है मेरी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात मुझे पता हो। कब शिवा और मेनका एक दूसरे के करीब आए, कब उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की, तो मुझे बख्श दो। तुम और रसाल मुझसे ऐसे सवाल करना बंद करो। दोस्त 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 कह के तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। समर्थ समर्थ, ओके आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। मेनका मेरे पति की बीवी बनी हुई है, मेरी सौतन। एंड ओके, तुम अगर बहुत ज्यादा नहीं जानते हो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज क्या तुम मुझ पर सिर्फ एक एहसान कर सकते हो? तुम मुझे बता सकते हो कि शिवा से शादी के पहले मेनका का कोई बॉयफ्रेंड था क्या? और अगर था तो वो कौन है? क्या नाम है उसका? अरे मैंने कहा ना यार, मुझे नहीं पता। देखो कनक, प्लीज मुझे बख्श दो, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं। ऐसा तो कुछ नहीं पूछ लिया मैंने समर से कि वो इतना भड़क गया। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो सामने होकर भी मेरे सामने नहीं आ पा रही है। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।